तो दोस्तों, आपको कभी ये सवाल पड़ा है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को जॉन्डिस क्यों होता है? अगर आपको ये सवाल पड़ा है तो देखते रहिए ये वीडियो हमारे साथ आगे। हे गाइस, आई एम कुलदीप जटार, एक साइंस बड़ी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को जॉन्डिस क्यों होता है। तो दोस्तों, हम पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि हमें जॉन्डिस होता क्यों है। हमारी बॉडी ब्लड सेल से बनी होती है। ईच ब्लड सेल का लाइफ टाइम 120 डेज का होता है, मतलब वो 120 डेज के बाद स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसमें से एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है बिलीरुबिन, BILIRUBIN, बिलीरुबिन। सो ये बिलीरुबिन है जो कि मेन रीज़न होता है जॉइंटिस का। जो बिलीरुबिन है वो बॉडी में फैलता जाता है और फैलने के बाद हमें जॉइंटिस हो जाता है। पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत से बार ऐसा नहीं होता। लीवर की हेल्प से ये बिलीरुबिन स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रैवल होके यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाता है। पर स्मॉल बेबीज़ में क्या होता है कि उनका लीवर इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो बिलीरुबिन को रिमूव कर सके, इसलिए उन्हें उनके बॉडी में बिलीरुबिन का जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है और उन्हें जॉन्डिस हो जाता है। पर डरने की कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद वो ठीक हो जाते हैं। पर जब ऐसा ना हो तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।